This video for your very helpful information. Please like and subscribe and then share your friends. And let's start the video. Pariyavarand Pradushan First point of heading Pradushan Ka Earth Swachh Vata Mein mehi Jeevan Ka Vikas संभव है जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं यहाँ गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहते हैं जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं प्रदूषण के प्रकार आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है नंबर वन वायु प्रदूषण नंबर टू जल प्रदूषण नंबर थ्री ध्वनि प्रदूषण नंबर फोर रासायनिक प्रदूषण नंबर वन वायु प्रदूषण वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती है जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निकर्षित करते रहते हैं इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है किंतु मानव अपने और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। नंबर जल प्रदूषण सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है पौधे भी अपना भोजन जल माध्यम से प्राप्त करते हैं यह भोजन पानी में घुला रहता है जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती है यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है नंबर थ्री ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है मोटर का ट्रैक्टर जेट निवान कारखानों में सायरन मशीनों तथा लाउडस्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं तेज ध्वनि के स्वर्ण शक्ति का हास होता है और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है कभी कभी पड़ोस में लाउडस्पीकर बजते बजने से रात भर नींद नहीं आती इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो जाती है नंबर फोर रासायनिक प्रदूषण कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट द्रवों के अलावा खादन की उपज में वृद्धि की दृष्टि से उपयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यह पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों तालाबों और अत्यंत समुद्र के में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं प्रदूषण के उपाय अतः इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय जो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है और उस जगह का वातावरण भी सुंदर होगा नदियों में पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उस जल में मृत जीवों अथवा श्रवों पर प्रभावित होने नहीं करना चाहिए धुआं रोकने के लिए यह सुगम उपाय है कि कल कारखानों ऐसे स्थानों पर लगाए जाए जहां जनसंख्या अधिक ना हो उपसंहार उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हमें भी पूरी सामर्थ के साथ सहायता करनी चाहिए हम गरीब देश और प्रदेश के निवासी है पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर ले तो फिर हमारे लिए वह भी सुगम हो जाएगा